वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब जो आज का टॉपिक है वो है सर्चिंग। और सर्चिंग होता क्या, पहले ये समझते हैं कि किसी सीक्वेंस में जब एलिमेंट्स दिए हों और उसमें से किसी पर्टिकुलर को ढूंढना, फाइंड आउट करना, रियल लाइफ से बात कर लेते हैं। जैसे आप सब लोग सुनते होंगे कि कोई आता है आपसे बोलता है जा वो कहाँ है, बोले कि आप नहीं पता है, सपोज एक्स वाई जेड किसी स्टूडेंट का नाम दिया, सपोज करिए किसी एक्स वाई जेड स्टूडेंट का नाम ले रहा है कोई और बोल रहा है, सपोज मैं क्लासरूम में गया और मैं अपने किसी एक्स स्टूडेंट को रिकॉल कर रहा हूँ और वो है, तो मैं किसे पूछूँ, आप लोग से पूछा, आप लोग बोले सर वो है नहीं, तो मैं बोला कहाँ है, वो सर पता नहीं, तो मैं बोला जाओ उसको ढूंढ के लाओ, तो इट मीन्स आप सर्च करके जाओ उसे, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी एलिमेंट को सर्च करने का प्रोसीजर है, ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है बाइनरी सर्च, दूसरा होता है लीनियर सर्च। इसमें हम लीनियर सर्च पहले पढ़ेंगे, लीनियर सर्च को बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, पहले नोट कर ले कहीं पे, लीनियर सर्च इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च को सॉर्टेड सर्चिंग भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पहले दोनों को समझते हैं ओरली, फिर उसके बाद उस पर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और समझेंगे कैसे काम करता है ये। तो बाइनरी लीनियर सर्च क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्च होता है, इसमें नाम से क्लियर, सीक्वेंशियल मतलब सभी एलिमेंट के पास जाएगा और सबसे कंपेयर करेगा। सपोज करो पांच बच्चे हैं, राम श्याम और घनश्याम, तीन ही बच्चे मान लेते हैं, सपोज करो तीन बच्चे हैं राम श्याम घनश्याम, इसमें आपको घनश्याम को ढूंढना है, तो घनश्याम नाम के बंदे का फोटो लेंगे हम और जो अगर पहला एलिमेंट है राम उससे चेक करेंगे कि राम से बोला कि तुम ये हो क्या, ये मतलब घनश्याम, तो बोला नहीं, बराबर नहीं है दोनों, तो बोला नहीं, तो हम इसे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अब घनश्याम से बोला कि तुम, जो घनश्याम से बोला कि तुम ये हो क्या, मतलब इसके बराबर, घनश्याम के बराबर, घनश्याम जैसा शक्ल इसकी है क्या, नहीं है, उसको भी छोड़ दिया। अब बोला तुम घनश्याम हो क्या, देखा तुम लोग शक्ल मैच हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट फाउंड, आइटम फाउंड, एलिमेंट फाउंड, जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया, यही है वो घनश्याम। इसका एक प्रोबेबिलिटी ये भी होता है कि ना होता तो, सपोज करो आप सुरेश को ढूंढ रहे थे, सुरेश को ढूंढ रहे थे, तो हमने बोला कि पहले एलिमेंट को उठाया राम को, बोला कि सुरेश हो क्या, बोला नहीं, सुरेश घनश्याम को उठाया, तुम सुरेश हो क्या, बोला नहीं, मैंने फिर आपको घनश्याम को उठाया, बोला तुम सुरेश हो क्या, नहीं। अब एरे खत्म हो गया, जब एरे खत्म हो गया और कोई मिला ही नहीं तो एलिमेंट नॉट फाउंड या आइटम नॉट, तो ये सीक्वेंशियल सर्च का पार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, अब इनके ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे और इनके लॉजिक को देखते हैं कैसे काम करता है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, लीनियर सर्च ऐसा होता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये लीनियर सर्च का एग्जांपल है, ऐसे दिखता है, देख लीजिए। इसमें आपको 20 फाइंड करना, 20 को सर्च करना, तो आपको 0 पे भी जाना होगा, 1 पे भी जाना होगा, 2 पे भी जाना होगा, 3 पे भी जाना होगा, जब तक वो मिल ना जाए 20 तब तक करना, या एरे फिनिश नहीं, दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो जब तक वो मिल ना जाए या एरे फिनिश नहीं। ये सर्चिंग का लीनियर सर्च, जिसको सीक्वेंशियल सर्च बोलते हैं, उसका ये तरीका था ढूंढने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे काम करता है, प्रोसेस समझते हैं। एक एरे दिया हुआ आपको, ऐसा एक एरे दिया हुआ, स्टेप वन, तो इसके इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4, आई जिसको बोलते थे a1, a2, a3, यहाँ एक, ठीक है, लाइनिंग मिसिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, स्टेप टू, आपको सर्च करना है 32, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए आई इक्वल टू आइटम है क्या, इक्वल टू है, तो इस केस में क्या होगा, ए जीरो क्या है बताइए, आइटम इज 32, ठीक है। ए जीरो मतलब हो गया हमारा 6, ए जीरो मतलब हो गया 6। अब 6 32 के बराबर है, नहीं, फिर आगे बढ़ जाएंगे 1 पे, ए 1 मतलब 19 32 के बराबर है, नहीं, छोड़ देंगे, ए 2 32 है क्या, नहीं, 22 है, 22 32 के बराबर नहीं है, छोड़ देंगे हमने, A3 32 है क्या, A3 इज 32 इसलिए बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे और हम लिख देंगे आइटम फाउंड, ये तरीका है। अब आप देखिए, सीक्वेंस में चल रहे हैं तो लूप चलाना जरूरी है, यही मैं आपको नोटिस कराना चाह रहा था कि हियर लूप इज मैंडेटरी फॉर सर्च, राइट। आगे बढ़ते देखिए क्या किया इन्होंने, ए 20 लिया, आई लिया, एक्स लिया और एन लिया, n इज द साइज, x इज द एलिमेंट जिसको हमें सर्च करना है। हमने क्या किया, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द एरे, यानी साइज ऑफ एरे n हो गया,
इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, एन को हमने इंटर कर लिया, ए आई आई जीरो ए वन एरे ऑफ इंटर करते थे ना, एरे एलिमेंट को इंटर कर लिया। अब कह रहा है इंटर द एलिमेंट फॉर सर्च, जो सर्च करना है उसको डालो, वो हमारा एक्स हो गया, एक्स ले लिया हमने। अब 32 है एक्स, 32 समझिएगा, ठीक है ना। अब आप सर्च करो, ए देखिए आई जीरो से लेके यहाँ तक चलेगा और चेक किया, ए आई इक्वल टू एक्स है क्या है, तो ब्रेक करो और बाहर आ जाओ, ठीक है। साथ में जो अगर आई लेस देन एन है, आई एलिमेंट जो फाइंड हुआ है वो किस जगह में फाइंड हुआ ये बता देगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, वो जगह बता देगा आपको, ठीक है। जो अगर ये कोई भी केस नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, एल्स में नॉट फाउंड, एल्स में नॉट फाउंड, तो सिंपली एक लूप चलाएंगे। जैसे लार्जेस्ट एलिमेंट पढ़े थे आप लोग, लार्जेस्ट एलिमेंट याद होगा ना, मैं बोला था ना कि यहाँ यूज होगा, लार्जेस्ट में क्या लिखते थे, लार्ज इज ग्रेटर देन ए आई, ठीक है ना, या ए आई ग्रेटर देन लार्ज लिखते थे, उसकी जगह पे लिख दो आप ए आई इक्वल टू एलिमेंट या आइटम या एक्स, जो भी आप लिए ब्रेक कर देंगे, वहां से मिल गया तो बाहर आ जाएगा, नहीं मिला तो एल्स में लिख देंगे नॉट फाउंड। क्लियर है, सिंपल है लार्जेस्ट वाले लॉजिक पे। क्वेश्चन का आउटपुट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 10 एलिमेंट इंटर कर दें, यहाँ पे देखिए 10 एलिमेंट यहाँ इंटर हो गया। सर्च एलिमेंट इज 87, एलिमेंट फाउंड एट द 6, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 पे 87 इज अवेलेबल, रन करके दे दिया। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लीनियर सर्च या सीक्वेंशियल सर्च। हाँ भाई, फंक्शन से करना हो तो कैसे करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ क्या किया देखिएगा, मेन में आइए, मेन में कांस्टेंट एरे पास कर दिया, समझना है, बड़ा ना बने क्योंकि पीपीटी पे बड़ा आ नहीं रहा, इसीलिए हमने छोटा बनाया हुआ है, कांस्टेंट ले लिया इसमें। एक्स की साइज 10 ले लिया, एन एक्स इज इक्वल टू 10 इन टू एन साइज ऑफ एरे डिवाइड बाई साइज ऑफ ए ऑफ जीरो, ठीक है ना। अब लेने ये सर्च नाम का एक एरे लिया, उसमें एरे एन और एक्स पास कर दिया, ठीक है। ऊपर गए, ऊपर गए तो हमने तीन आर्गूमेंट पास किया, तीनों ले लिया, इंट एरे एन साइज है और एक्स जिसको ढूंढना है, हमने यहाँ इंट आई लिया और लूप चला दिया। जब भी कभी बराबर मिल जाए तो रिटर्न आई, और ना मिले तो माइनस वन इज फॉर नॉट फाउंड, ठीक है ना। अब यहाँ कह रहा रिजल्ट इज इक्वल टू माइनस वन है क्या, जो अगर माइनस वन है तो एलिमेंट नहीं मिला है, अब माइनस वन नहीं मिला है तो एलिमेंट फाइंड है, यही तो काम किया भाई। माइनस वन कब रिटर्न कर रहे हैं, जब ये बराबर नहीं है तब, और जब बराबर है तो रिटर्न कर रहे हैं आप क्या, आई। तो दिस इज थ्रू फंक्शन, इससे बेटर ये था आपका प्रोग्रामिंग सिंपल एरे से, ठीक है। तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग थी और ये फंक्शन से प्रोग्रामिंग है, सेम प्रोग्राम को हमने किया था, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, देखिए ऐसा एग्जाम्पल दिया है, एक्स की वैल्यू 101 थी, 1106 थी, 110, ठीक, तो आउटपुट 6 आ गया। 6 पे क्या है, 6 पोजीशन पे 110 है, 0 1 2 3 4 5 6 नंबर एलिमेंट इज फाउंड एट 6, इस तरह से इसका दिया है, इसमें 175 इज नॉट अवेलेबल तो -1 दिया, यही उसका आउटपुट है उस प्रोग्राम का फंक्शन के थ्रू। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बाइनरी सर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाइनरी सर्च समझना बहुत जरूरी है आपको। ये क्या करता है कि सॉर्टेड होना चाहिए, पहली कंडीशन इज क्लियर है, एरे मस्ट बी सॉर्टेड, यानी एक ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्या किया इसने, दिया हुआ है लोअर बाउंड अपर बाउंड, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो कह रहा है इसका हाफ कर दो, हाफ, और जिसको ढूंढना है उस हाफ से मैच करो, ठीक है। सपोज करो आपको इसमें 6 ढूंढना है, 6, तो 0 + 9/2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो a of 4 पे क्या पड़ा, 5, आपको क्या चाहिए, 6, बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर नहीं है तो कह रहा है जो मिड था, मिड मतलब 4 था, तो 4 पे जो एलिमेंट है उससे छोटा है कि बड़ा है, मतलब नहीं समझे आप लोग, देखिए हमने आधा किया, आधा आ गया 4, अब 4 पे जो एलिमेंट है वो या तो बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा होगा, तीन केस है, पहले समझ लेते हैं, 4 पे जो एलिमेंट है वो क्या होगा, तीन केस में मैच होगा, या तो बराबर मिल गया बराबर तो कोई इशू नहीं है बाहर आ जाएगा, या तो छोटा होगा 4 वाला या बड़ा होगा, जो अगर छोटा हो गया 4 पे जो है
जो जो फोर पे छोटा है तो पहले सारे छोटे होंगे क्योंकि ऑर्डर में है ना ये, तो फोर के पहले सबको छोड़ दो, फोर तक सबको छोड़ दो। अगला अटेम्प्ट कहाँ शुरू करो, फाइव से लेके एन तक। और जो अगर मान लो फोर पे बड़ा है तो जो फोर पे बड़ा है एनिमे तो बाद का सब बड़े होंगे, तो फोर तक सबको उधर लास्ट छोड़ दो, यानी अब आप शुरू करोगे जीरो से लेकर थ्री के बीच में। नहीं समझ में? फिर समझ। सपोज वी हैव टू फाइंड दैट टू, फाइंड दैट टू, आइए दिस इज द एरे एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड दैट टू। व्हाट वी विल डू इन द बाइनरी सर्च, पहले अपर और लोअर का डिवाइड बाई टू कर लेते हैं। करो आप, 0 + 9/2, 4 आ गया। आप 4 पे जाके देखेंगे, 4 पे जाइए, 4 पे है 5, 4 पे क्या है 5 है, 4 पे है 5, आपको चाहिए 2, समझने की कोशिश करिए। 4 पे है 5, आपको चाहिए 2, तो 5 बड़ा आ गया ना, किससे, जिसको ढूंढना था। तो जब 5 ही बड़ा है तो इधर तो सब बड़े होंगे, देख लीजिए क्यों बड़े होंगे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में। और बाइनरी सर्च की कंडीशन थी कि सॉर्टेड होना चाहिए, तो जब ये बड़ा है तो ये सब बड़े हैं, इन सब को छोड़ देंगे। सिमिलरली मान लो आपको 9 सर्च करना है, तो मिड निकालो, 4 आ गया। अब 5 है, और 5 बड़ा है कि छोटा है 9 से, छोटा है, तो जो 5 भी छोटा है तो इसके पहले वाले सारे छोटे होंगे, तो ये सारे छोड़ दिए जाएंगे, यानी अगला अटेम्प्ट शुरू होगा इस जगह से, 6 वाले से 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है 6, 6 एलिमेंट सर्च करना है। 4 पे क्या है 5, ये स्मॉल है तो इसको छोड़ देंगे। अब अगला अटेम्प्ट होगा लोअर लिमिट हो जाएगी 4 और अपर लिमिट हो जाएगी 9, देख लीजिए काटा हुआ है दिखाएगा। फिर जो बच गया एरे उसका फिर से नया फ्रेश एरे बनाकर फिर से शुरू करेंगे। 5 + 9/2 इज विल बी 7। अब 7 पे चेक करेंगे क्या आ गया, 8। 7 पे क्या है 8, आपको क्या चाहिए 6, ये बड़ा है ना, जब ये बड़ा है 8 तो सारे बड़े होंगे। अब बताइए एरे क्या बच गया, 5 और 6 बच गया, क्योंकि पहले इधर लेफ्ट का छोड़े थे अब राइट का छोड़ेंगे, क्योंकि बड़ा आ गया, पहले छोटा था अब बड़ा आ गया, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 5 6 बचा, अब 5 6 को हमने ऐड किया, 5 आ गया। अब 5 पे चेक किया, ए ऑफ 5 इक्वल टू आइटम है, यहाँ नॉट गलत से लग गया, गलती से लग गया है, यहाँ पे इक्वल टू लगना चाहिए, इक्वल टू तो आइटम फॉर्म मिल जाने को फाइंड, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक, आप सही करेंगे, इक्वल टू है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू गलती से लिखा हुआ, ठीक है। चलिए आगे प्रोग्राम समझते, प्रोग्रामिंग समझना बहुत जरूरी है इसकी। आपको एक लोअर बाउंड होगा, एक अपर बाउंड होगा। लोअर बाउंड में 0 डालेंगे, अपर बाउंड में n-1 डालेंगे। यहाँ लोअर बाउंड को हमने क्या लिया है, लो, और अपर बाउंड को हमने लिया है हाई, ध्यान देना आप, मिड था मिड यहाँ है, क्योंकि लॉजिक समझ रहे तो उसी से रिलेट करेंगे। ये देखिए यहाँ साइज इंटर कराया है, ये एरे को इंटर करा लिया, और जिसको ढूंढना उसका नाम है की। तो इतना तक देखिएगा ध्यान से, ये इनपुट था, अब लॉजिक शुरू होने जा रहा है। लो इज इक्वल टू 0, हाई इज इक्वल टू n-1, मिड निकाल लिया, मिड निकाला, जो भी मिड आया आप चेक करो कि वेयर लो इज लेस देन हाई, कि मतलब ऐसा तो नहीं कि लो लेस देन इक्वल टू हाई होगा तभी तो हम चढ़ेंगे, ऐसा ना हो कि लो बड़ा हो जाए हाई से, मतलब लोअर लिमिट बड़ा हो जाएगा अपर लिमिट से, ऐसा कभी होगा क्या? लोअर लिमिट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, ऐसा होता ही नहीं होता है भाई, हद से हद क्या होगा, लोअर अपर दोनों बराबर होंगे। जब एक ही एलिमेंट होगा तो उसमें लोअर भी वही होगा अपर भी वही होगा, लेकिन जब दो एलिमेंट होंगे तो लोअर अलग होगा अपर अलग होगा, लोअर 1 होगा लो अपर 2 होगा, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि कभी भी लोअर क्रॉस कर सकता है क्या अपर को? नहीं। जो अगर ऐसा केस आ गया तो एरे खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक कंडीशन डाल दिया कि व्हाइल लोअर इज लेस देन अपर है, यानी लो इज लेस देन हाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ, अब चेक कर रहे हैं छोटा है बड़ा है मिड है क्या है, इफ ए एरे ऑफ मिड
इफ एरे ऑफ मिड इज लेस देन की है, यानी मिड जो आया वही छोटा है, ध्यान देना, तो मिड जो आया वो छोटा है तो इस केस में क्या होगा, लोअर लेफ्ट वाला छोड़ेंगे, लेफ्ट छोड़िएगा तो लोअर लिमिट आपके बढ़ जाएगी ना आगे, और लोअर लिमिट कहां शुरू हो रही थी, देखिए दिखाता हूं मैं, इस केस में देखिए 5 पे एलिमेंट छोटा था, हमें चाहिए था 6, ये 5 छोटा था 6 से, तो हम क्या किए थे, जो मिड था उसके आगे शुरू कर दिए थे, अब नया लोअर पहले 0 था, अब क्या लोअर हो गया 5, यहां देखिए 5 हो गया ही नहीं हो गया, देखिए यहां पे, यहां पे लोअर 5 हो गया, क्यों, क्योंकि ये छोटा था तो 5 से शुरू कर दिए थे, इसका फार्मूला बनाया कि लोअर इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो गया था। आई इस केस में देखिए जब इधर आ रहे थे तो अपर इज इक्वल टू मिड माइनस 1 हो रहा है, फॉर्मूला में समझना पड़ेगा, तो वही लॉजिक यहाँ समझा रहा है कि इफ एरे मिड लेस देन की है तो लोअर में मिड प्लस 1 कर दो, एल्स एल्स जो अगर बराबर है तो एलिमेंट फाउंड है, एल्स जो अगर बड़ा है तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करो, उधर से आ रहे थे तो हाई शिफ्ट हो रहा था एन से तो कहाँ पे मिड माइनस 1 पे आके शिफ्ट हो रहा था, इधर से लोअर शिफ्ट हो रहा था कहाँ शुरू हो रहा था मिड प्लस 1 पे शिफ्ट हो रहा था, भाई लोअर शिफ्ट हो रहा था मिड प्लस 1 पे, हाई शिफ्ट हो रहा था मिड माइनस 1 पे, और फिर से मिड निकालो, ठीक है। तो इनमें 3 केस दिखाया, देखिए छोटा है, बराबर है, बड़ा है, ठीक है। बराबर होगा तो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, ब्रेक मतलब ब्रेक करते ही बाहर आ जाएगा, ब्रेक की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि जब टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है, आज जो अगर ब्रेक नहीं हो रहा है या तो लोअर चेंज होगा या अपर चेंज होगा, फिर मिड निकलेगा, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यही काम होगा, फिर यही काम होगा, इससे बाहर आएगा, जब इससे ये बाहर आएगा, ठीक है, और आइटम नहीं मिला तो केस क्या होगा, क्योंकि हमने तो फाइंड लिखा है और इससे बाहर आ गया और मिड वाला नहीं निकला तो क्या हुआ, कह रहा लोअर इज ग्रेटर देन हाई, मतलब लोअर लिमिट क्रॉस कर गया क्या अपर लिमिट को, मान लो शिफ्ट होते 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 लोअर लिमिट घटते 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 लोअर बढ़ के अपर उधर अधिक चला गया 5 पे और अपर घट के आ गया 2 पे या 4 पे, तो लोअर अधिक हो गया ना, अधिक हो गया तो इस केस में क्या लिखेंगे आप, एलिमेंट इज नॉट देयर, एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट इज नॉट इन द लिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट था इसमें जो हम लोगों को देखना था बाइनरी सर्च के थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सेकेंड ईयर में भी आना है, थर्ड ईयर में भी आना है, इवन फोर्थ ईयर में भी आना है, प्लस वन में होता है आता है, तो बाइनरी सर्च इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाने जा रहा हूँ कि कैसे कर रहे थे, थोड़ा सा और माइंड को क्लियर करते, माइंड में क्लियर करते, देखिए ये एक नंबर एरे था, ठीक है, फिर हमने क्या किया, देखिए कैसे किया, लो हाई लिया तो 0.4 था, मिड 8 आया, ठीक है, मिड पे एलिमेंट था 8, तो फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए लो मिड और हाई कैसे आया, 0/8 0+8/2 4 आ गया ना, तो 4 पे क्या आया 38, करा 45 सर्च करना था इसमें, तो 38 इज लेस देन 45 तो लोअर लिमिट बढ़ेगा, तो लोअर लिमिट क्या होगा, मिड प्लस 1, मिड क्या था यहाँ पर 4 था ना, अब अगला एरे जो होगा वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, भाई जब छोटा होगा तो लोअर शिफ्ट होगा, बड़ा होगा तो अपर शिफ्ट होगा, और लोअर शिफ्ट होगा तो मिड प्लस 1 होगा, अपर शिफ्ट होगा तो मिड माइनस 1 होगा, जो अगर यही मान लो आपको 45 नहीं ढूंढ के 12 ढूंढना होता तो क्या होता, ये बड़ा होगा ना 38, तो ये 3 से शुरू हो जाती है आपकी कहानी, 3 व्हाट इट मीन्स, यानी अपर लिमिट 8 था, अब शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा मिड माइनस 1 3 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, यही केस समझाया, देखिए इतना डार्क कर दिया, यहाँ सहरे बना दिया, क्योंकि आपको ढूंढना क्या था 45, फिर देखा यहाँ पे छोटा आ गया 45 इज लेस देन 77, तो अब ये 77 से छोटा है ना, ये सारा छोड़ दिया जाएगा, और जब यहाँ से छोड़िएगा तो बस एक ही एलिमेंट बच जाएगा, यानी यही लोअर है यही अपर है, ठीक है, और उसको सर्च करके दे देगा। अब क्या है क्वेश्चन जो समझाने जा रहा हूं, इसमें ये बोल रहा है कि रिपीटेड एलिमेंट ढूंढो, फर्स्ट रिपीटेड एलिमेंट सर्च करना है, एक एरे में जैसे 2, 4, 6, 2, 8 ऐसे है, 2, 2, 2 बार आ गया ना, वही रिपीटेशन को चेक करना है, ठीक है,
नहीं उसका प्रोग्राम है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने आपके लिए डाला था ताकि आप चेक कर सके, लिस्ट कर लेंगे, रन करके देखेंगे। हमारा मकसद इस वीडियो में इतना ही था कि हमें बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के ऊपर प्रैक्टिस करनी थी, तो ये उसका आउटपुट है। ठीक है, आपको जो समझना था बाइनरी सर्च का बेसिक समझा देता हूँ। मिड के बेस पे काम करता है, तीन कंडीशन होते हैं, ए ऑफ मिड इज इक्वल टू आइटम है तो हमारा काम रुक जाएगा, एलिमेंट मिल चुका है। जो अगर ए ऑफ मिड इज लेस देन आइटम है तो हमारा लोअर लिमिट शिफ्ट होगा मिड प्लस वन से। ठीक है, जो अगर हमारा ए ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आइटम है तो हमारा अपर शिफ्ट होगा मिड माइनस वन के, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा जब तक ए ऑफ मिड हमें न मिल जाए। ठीक है, ये था बाइनरी सर्च था। लीनियर सर्च में हमने क्या देखा कि ये सीक्वेंशली चेक करता है, एक एक एलिमेंट को चेक करता है। यहाँ देखिए, एक एक एलिमेंट को पहला उठाएगा, उससे चेक करेगा कंपेरिजन, दूसरा उठाया फिर कंपेरिजन, तीसरा उठाया फिर कंपेरिजन, तो ऐसे करते जाएगा। तो मोटिव ये था आपका, यहाँ पर हम लोग को समझना क्या था कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट मिड में चलेगा, बाइनरी सर्च के लिए चलेगा, और लीनियर सर्च में क्या था सीक्वेंशली सर्च होता है। ठीक है ना, बेसिकली मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को रोक रहा हूँ, और आपको सर्चिंग सॉर्टिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, खुद रन करिए, खुद टाइप करिए, समझिए, एरर आए कॉल करिए, समझते हैं, डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम आती है यू में कंटेक्ट टू मी, और मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। अब आगे जो शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे सॉर्टिंग की कहानी। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है सॉर्टिंग। अब अगली वीडियो हमारी सॉर्टिंग के ऊपर आएगी। थैंक यू वेरी मच।